Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hope you all will be fine this is new countdown book 4 third edition so let's open countdown book four and my book of science for maths planner today date is 27th august 2020 day thursday grade 4 today we are going to start lecture number 8 week number 8 start from countdown page number 151 to 160 Today we are going to start unit number 7 geometry from countdown page number 121. So before start work let us recite dua rabbi zedini Hailma. You have already learned 3D, 2D shapes, triangles, quadrilaterals, points, lines, parallel, non-parallel lines in this unit. And today's lesson, uh, in this uh, today's lesson, you, uh, we will learn, inshallah, measure the length of a line in centimeter and millimeter. Draw straight lines, curved line, vertical, horizontal, parallel, non-parallel lines. Draw a parallel line to a given straight line using such squares. Draw a line which passes through a given point and is parallel to given line. हेयर इज समर्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज टर्म्स फर्स्ट लुक ऑन द बोर्ड लाइन्स लाइन क्या होती हैं सबसे पहले एक लाइन से स्टार्ट करते हैं दिस इज दाइन ये एक लाइन है जो इसके दोनों तरफ पे एरो है एरो मीन्स लाइन दोनों तरफ से इंक्रीज कर रही है लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता लाइन डिफरेंट पॉइंट से डिफरेंट पॉइंट को ज्वाइन करके बनती है और ये इंक्रीज होती है दोनों तरफ से इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता अगर हम लाइन को कट कर दें बिटवीन से दो एंड पॉइंट इसके बना दें मींस एक हम दो पार्ट इसके कर दें एक पार्ट अलग कर दें दूसरा पार्ट अलग कर दें और दरमियान में एक पार्ट रह जाए तो ये लाइन सेगमेंट बन जाएगी जिसके दो एंड पॉइंट्स हो जाएंगे बिकॉज लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं लुक एट दिस दो एंड पॉइंट्स को मार्क कर दिया ए और बी से हमने लाइन को कट किया और ये बीच में एक लाइन सेगमेंट बन गई। अगर हम लाइन को इस तरह से कट करें कि इसका दरम्यान में कोई लाइन ना रहे तो इसका एक ही एंड पॉइंट बनेगा और ये फिर इसके दोनों पार्ट्स जो हैं वो रे बन जाएंगे दिस इज रे वन एंड दिस इज रे टू बिकॉज रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट रे का सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं और लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता लाइन सेगमेंट कहीं से भी इंक्रीज़ नहीं कर रही होती जबकि रे एक साइड से इंक्रीज़ कर रही होती है इस ये इनके एंड पॉइंट्स हैं यानी ये रे वन का एंड पॉइंट है और ये रे टू का एंड पॉइंट है नोलोकॉन काउंट डाउन पेज नंबर 152 फिफ्टी टू हेर आर मैनी रेज विद द सेम एंड पॉइंट एक्स ये बहुत सारी रेज हैं लेकिन इनका एंड पॉइंट ये एक ही है एक्स यहाँ ये खत्म हो जाती हैं यानी यहाँ से आगे इंक्रीज़ नहीं होती ये इनका एंड पॉइंट है यहाँ से ये रेज इंक्रीज होती जाएंगी क्योंकि एरो शो कर रहा है कि ये लाइन इंक्रीज हो रही है थिंक ऑफ द रेज ऑफ द सन सन की रेज सन के लाइंस को रेज क्यों कहा जाता है बिकॉज उनका वन एंड पॉइंट होता है जो कि सन खुद होता है ऑन काउंट डाउन पेज नंबर वन फिफ्टी थी ड्राॅइंग लाइन सेगमेंट मै स्ट्रेट एंड कर्व लाइन्स ड्राॅइंग लाइन सेगमेंट फर्स्ट आपको एक लाइन ड्रा करनी है किसी भी लेंथ की विद द हेल्प ऑफ अ रूलर मैंने एक लाइन ड्रा की है रूलर की मदद से बगैर किसी लेंथ के यानी कि लेंथ तो है लेकिन मैंने मैय नहीं की कितनी लेंथ है एक रैंडमली आपको लाइन ड्रा करनी है इसको मार्क कर दिया ए और बी पॉइंट से यानी ए बी की मैंने एक लाइन ड्रा की है नाउ यू हैव टू टेक अ डिवाइडर मेरे पास डिवाइडर नहीं है तो मैं कंपस यूज़ करूँगी आपको एक डिवाइडर यूज़ करना है डिवाइडर इस तरह का दिखता है जिसके दो ये शार्प पॉइंट्स होते हैं इस तरह का डिवाइडर होता है और ये मेरे पास कंपस है मैं कंपस से आपको समझाऊंगी कि डिवाइडर किस तरह से यूज़ होता है ओपन द टू एंड्स ऑफ द डिवाइडर एंड मैयर जितनी भी आपको सेंटीमीटर लाइन दी है लेट्स सपोज एट सेंटीमीटर तो हम एट सेंटीमीटर की लाइन किस तरह से ड्रॉ करेंगे सबसे पहले आपको अपने डिवाइडर को खोलना है और आपको अपने स्केल पर एट सेंटीमीटर तक डिवाइडर के दोनों एंड पॉइंट्स रखने हैं ये मैंने कंपस को खोला है आप डिवाइडर को खोलिए दो एंड पॉइंट जीरो से एट तक मैंने रखा है एक एंड पॉइंट जीरो पे रखा और एक एंड पॉइंट मैंने एट सेंटीमीटर पे रखा अब आपको इतना ही डिवाइडर जितना आपने एट सेंटीमीटर खोला आपको अपनी लाइन पे जाना है और आपको दो एंड पॉइंट्स मार्क करने हैं अपने डिवाइडर के जरिए मैं यहाँ कंपस यूज़ कर रही हूँ एक पॉइंट ऐसे और एक ऐसे यहाँ आप पेंसिल मीन्स आपके पास तो डिवाइडर होगा सॉरी यहाँ मैंने दो एंड पॉइंट मार्क किए आपको डिवाइडर की हेल्प से करने हैं इस तरह से मार्क कर दिए और उनको पी क्यू से मैंने मार्क किया पी क्यू इज द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट है एट सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं हमने एट सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा करनी थी तो आप इस तरह से डिवाइडर की हेल्प से आप लाइन ड्रा कर सकते हैं लाइन सेगमेंट नाव मरिंग स्ट्रेट एंड कर्ब लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मयर स्ट्रेट लाइन नाव लोग मैरिंग अ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन किस तरह से मैयर करते हैं आपको एक लाइन दी है आपको कहा गया है इसको मैय करके सेंटीमीटर में लिखें तो आप कैसे मैयर करेंगे डिवाइडर की हेल्प से दिस इज कंपस यू कैन यूज डिवाइडर आपको डिवाइडर कैसे खोलना है डिवाइडर के दोनों एंड पॉइंट्स आप लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स पर रखिए ऐसे और देखिए जितना जितनी लाइन है उतना अपना डिवाइडर खोलिए और इसको अब आपने फोल्ड नहीं करना आपने इसको कंप्रेस नहीं करना इसी तरह रखिए और स्केल के हेल्प से आप लाइन को मैयर कीजिए आपकी लाइन कितनी है जितनी मेरी लाइन थी मैंने उतना ही डिवाइडर खोला मींस कंपस खोला आपको डिवाइडर रखना है और मैंने इतना ही स्केल पे मैयर किया ज़ीरो से रख रखा इसका पे और दूसरा एंड पॉइंट एट पे जा रहा है इट मीन ये लाइन सेगमेंट जो है ये जो लाइन है ये एट सेंटीमीटर है नाउ मार्क द पॉइंट एंड राइट ए बी सेंटीमीटर ये हमारी स्ट्रेट लाइन है आपको किस तरह से लाइन सेगमेंट को मैयर करना है और किस तरह लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है और किस तरह से स्ट्रेट लाइन को मैयर करना है नेक्स्ट टॉपिक इज मिंग कर्व लाइन यूजिंग अ थ्रेड इस कर्व लाइन को आप किस तरह से थ्रेड के जरिए मयर करेंगे आपके पास ये एक कर्व लाइन है आपने इसको थ्रेड से कैसे मैय करना है फ़र्स्ट आप थ्रेड अपना यहाँ पे रखें और उसको गिरा लगा दें ऐसे आप रखें और इसको यहाँ से गिरा लगा दें इसका एंड पॉइंट और फिर आप थंब के ज़रिए पकड़ पकड़ कर इसको मैयर कीजिए मैं आपको रख के दिखाती हूँ इस तरह से आपने थ्रेड को कर्व करते जाना है लाइन के अकॉर्डिंग और जहाँ तक लाइन एंड हो रही है वहाँ तक आपने इसको डॉट लगा देना है या आपने एक नॉट लगा देनी है यहाँ तक मेरा थ्रेड आ रहा है तो मैं यहाँ तक थ्रेड उठा लूंगी इतनी लेंथ हमारे थ्रेड की आ रही है तो मैं इसको स्केल पे मैयर कर लेती हूँ स्केल को आपने थ्रेड के जीरो से स्टार्ट करना है स्केल पे जीरो से लेकर ये फिफ्टीन सेंटीमीटर को क्रॉस करिए तो पहले हम फिफ्टीन सेंटीमीटर तक मैयर कर लेते हैं और बाकी के मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ लुक एट दिस यहाँ तक ये फ़िफ्टीन सेंटीमीटर था थ्रेड और यहाँ से आगे मैंने दोबारा जीरो से स्टार्ट किया और ये फ़ाइव तक आया इट मीन्स फिफ्टीन प्लस फाइव ट्वेंटी सेंटीमीटर हमारी ये कर्व लाइन है सो so, कैसे हमने थ्रेड से मैयर किया फि ट्वेंटी सेंटीमीटर हमारा आया आप थ्रेड को इसी तरह लाइन के अकॉर्डिंग कर्व कीजिएगा अब हम डिवाइडर की हेल्प से करते हैं नाउ मयरिंग कर्व लाइन यूजिंग डिवाइडर एंड अ रूलर ये मैंने एक छोटी सी कर्व लाइन लगाई है अब आप डिवाइडर को खोलिए आप पहले लाइन को मैयर कीजिए कि आपके पास कितनी लाइन आ रही है यहाँ आपने डिवाइडर को आ, मेरे पास जो कंपास है मैंने इसको वन सेंटीमीटर खोल लिया अब मैं इसको वन सेंटीमीटर मैय करती जाऊँगी लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक ये वन सेंटीमीटर है तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट मार्क कर दूँगी ऐसे मैंने पॉइंट मार्क किए अब मैं दोबारा इसको जहाँ से मैंने पॉइंट मार्क किया वहीं से डिवाइडर को आपने रखना है मैं कंपस को रख रही हूँ यहाँ से यहाँ तक ये फिर वन सेंटीमीटर है यहाँ पे भी एक पॉइंट मार्क कर दूँगी फिर यहाँ से यहाँ भी ये एक वन सेंटीमीटर है तो मैं यहाँ भी पॉइंट मार्क कर दूँगी इस तरह ये वन वन सेंटीमीटर की है तो मैं इनको मार्क करती जाऊँगी मैंने इन वन वन सेंटीमीटर को मार्क कर दिया अब मैं काउंट करूंगी मेरे पास कितने सेंटीमीटर बने यहाँ से यहाँ तक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन मेरे पास ये लाइन आई है नाइन सेंटीमीटर लॉन्ग कर्व लाइन को डिवाइडर से और थर्ड से कैसे मुहैया करते हैं ये आपने देखा ऑन on on further apart पेज नंबर बी और सी एंड डी कौन सा किसका एक हिस्सा है आगे भी एक हिस्सा है एक ए का बी हिस्सा है या सी डी एक दूसरे के हिस्से हैं तो इसमें से आपने बताना है कि एक पार्ट का दूसरा कौन सा हिस्सा है यानी ए और बी एक दूसरे के हिस्से हैं फर्दर या सी और डी एक दूसरे के हिस्से हैं विदाउट मैरिंग कैन यू टेल which इज longer लाइन ए बी और बी सी आप मैर किए बगैर ऐसे ही गैस करें कि ए बी लॉन्गर है या बी सी लॉन्गर है देखने में कौन सी लाइन लॉन्गर लग रही है ए बी लॉन्गर है या बी सी लॉन्गर है तो ये सामने दिख रहा है कौन सी लॉन्गर है इसको आप कीजिए नाउ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन्स हॉरिजेंटल लाइन इज द वन विच रन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो लेफ्ट से राइट right की तरफ जाती है और वर्टिकल लाइन इज द वन विच रन अप एंड डाउन जो अप डाउन uh, uh, जाती है उसको वर्टिकल यानी ऐसे खड़ी लाइन वर्टिकल होती है और इस तरह टेढ़ी हॉरीजेंटल होती है ज्योमेट्री में हॉरीजेंटल लेफ्ट से राइट जाती है और वर्टिकल वर्टिकली लाइंस अप एंड डाउन होती हैं नेक्स्ट टॉपिक इज अ वर्टिकल लाइन ऑन अ गिवन हॉरिजेंटल लाइन यूजिंग सेट स्क्वेर आपको किस तरह से एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है हॉरीजेंटल लाइन आपके पास गिवन होगी उससे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है सेट स्क्वायर को यूज करके दिस इज अ सेट स्क्वायर जब आपको इस तरह का टॉपिक दिया जाए ड्रा वर्टिकल लाइन ऑन अ गिवन हॉरिजेंटल लाइन यूजिंग अ सेट स्क्वायर सेट स्क्वायर को यूज करते हुए वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो सबसे पहले आपको एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर लेनी है यहां मैंने ड्रा की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी अब मैं सेट स्क्वायर को रखूंगी दिस इज द सेट स्क्वायर ऐसे आपने सर्ट स्क्वायर को रखना है अब आप सर्ट स्क्वायर की ये जो वर्टिकल साइड है यहाँ एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दें और उसको सी का नाम दे दें ये हमारी लाइन वर्टिकल लाइन ड्रा हो गई हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की सर्ट स्क्वायर रखा और एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी सर्ट स्क्वायर की वर्टिकल लाइन ये है इससे एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइन पैरालल लाइंस आर लाइंस विच डोंट मीट टू लाइंस इन अ प्लान दैर डोंट इंटरसेक्ट और टच ईच अदर जो लाइंस एक दूसरे को टच नहीं कर सकती आप इन लाइन को जितना भी इंक्रीज करें इन दोनों लाइंस को ये कभी भी टच नहीं करेंगे इन तीनों लाइंस को जितना भी यहाँ से इंक्रीज कर लें यहाँ से ये कभी भी टच नहीं करेंगी और इनके दरमियान डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है सेम होता है दो पैरेल लाइन्स के दरम्यान हमेशा डिस्टेंस सेम होता है ऑल द अबव थ्री सर्स आर पैरल लाइन्स ए बी पैरेल सी डी दिस इज़ द साइन ऑफ पैरल ये जो दो लाइन्स हैं खड़ी वर्टिकली इसको साइन ऑफ पैरल कहते हैं ए बी पैरल सी डी रीडर्स ए बी इज़ पैराल सी डी ओके ए बी पैरल है सी डी के यानी ये दो लाइन्स आपस में कभी भी टच या इंटरसेक्ट नहीं कर सकती आप इनको जितना भी इंक्रीज कर लें और इनके दोनों लाइन्स के दरमियान डिस्टेंस सेम होता है नॉन पैराल लाइन्स अगर दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर दें या आप उनको जितना इंक्रीज़ करें वो किसी एक पॉइंट पे जाकर मिल जाए तो वो नॉन पैरल लाइन्स होती हैं यहाँ देखिए ये इनको आप इंक्रीज़ करें तो ये एक पॉइंट पर टच करिए के पर इन लाइन्स को आप देखें सी डी और ए बी को अगर आप यहाँ से इधर सी को इंक्रीज़ करते जाएं और ए को इधर इंक्रीज़ करते जाएं तो यहाँ जाके कि किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगी और ये पैरेलल नहीं है यहाँ इन दोनों को देखें आप ई एफ और जी एच को जितना भी इंक्रीज़ कर लें ये दोनों नहीं टच करेंगी और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी सेम है दीज आर पैरेलल लाइंस एंड दीज आर आल्सो पैरेलल लाइंस एंड दीज आर नॉन पैरेलल लाइंस बिकॉज एन को आप यहाँ से इंक्रीज़ करें और पी को भी यहाँ से इंक्रीज़ करें और एम को भी ओ को भी एम और ओ तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे लेकिन एन और पी थोड़ी ही देर के बाद इंटरसेक्ट करना शुरू कर देंगे तो ये नॉन पैरल लाइन्स हैं और इनके दरमियान डिस्टेंस भी इक्वल नहीं है नेक्स्ट टॉपिक ड्राइंग पैरल लाइन्स ड्रा अ पैरल लाइन टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन यूजिंग अ सर्ट स्क्वेयर आपको सर्ट स्क्वेयेर यूज करते हुए पैरालल लाइन ड्रा करनी है अब आपके पास टॉपिक है ड्रा अ पैरेलल लाइन टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन यूजिंग अ सेट स्क्वायर अब आपने पहले हमने स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रा की थी सेट स्क्वायर से अब हम पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे आपको किसी भी सूटेबल लेंथ की लेंथ से एक ड्रा लाइन ड्रा करनी है मैर करनी लाइन ड्रा करनी है मैंने एक लाइन ड्रा की है ए बी इसको मार्क कर दिया ए बी इसको मैयर नहीं किया कितनी लेंथ किया जस्ट हमने रैंडमली ड्रा कर दी है अब आप अपने सेट स्क्वायर और रूलर को लें और इनको ऐसे रखें ऐसे मैंने स्केल और सर स्क्वेयर जो है ऐसे रखा है मैंने यहाँ रखा है स्केल 15 सेंटीमीटर पे यानी मेरा 15 सेंटीमीटर लाइन को टच करा और सेट स्क्वेयर भी लाइन को टच करा अब आप सेट स्क्वेयर को थोड़ा सा ऊपर ले जाएं आपका स्केल नहीं हिलना चाहिए लेट्स सपोज मैंने 2 सेंटीमीटर में ऊपर ले गई हूँ लुक एट दिस 15 सेंटीमीटर लाइन को टच करा तो मैंने थर्टीन सेंटीमीटर तक मैं सेट स्क्वेयर को ऊपर ले गई हूँ ऐसे तो यहाँ मेरा डिस्टेंस टू सेंटीमीटर आ गया है अब आपको एक लाइन ड्रा करनी है यहाँ से यानी सेट स्क्वेयर के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक बी केयरफुल आपका स्केल जो है वो रिमूव ना हो आप सेट स्क्वेयर पे पॉइंट लगा लें ऐसे मैंने दो पॉइंट्स लगा लिए अब मैं सेट स्क्वेयर को रिमूव करके यहाँ एक लाइन ड्रा करूँगी नाउ लुक एट दिस मैंने यहाँ सेट स्क्वेयर से लाइन ड्रा कर दी सी इस तरह से पैरल लाइन अब यहाँ ये टू सेंटीमीटर लाइन का डिस्टेंस है दोनों लाइंस के दरमियान और मैंने इनको मार्क कर दिया सी डी एंड ई एफ सी डी एंड ई एफ आर पैरल लाइन्स ये पैरल लाइन्स हो गई हैं साइड की लाइन्स को आप रिमूव कर दें और ये नीचे मैंशन कर दें सी डी पैरल एफ ऐसे इसको मैंशन कर दें नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रा अ लाइन विच पासिस थ्रू गिवन पॉइंट एंड इज पैरल टू अ गिवन लाइन यूजिंग अ सेट स्क्र किस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करनी है जो एक पॉइंट के थ्रू गुजर कर दूसरी लाइन के पैरल हो सेट स्क्र की हेल्प से फर्स्ट आपको ऐसे अपना स्केल और सेट स्क्वेयर फिक्सड करना है स्केल आपका हिलना नहीं चाहिए फिक्स रहना चाहिए आपका सेट स्क्र ऐसे यहाँ से और इसके नीचे यहाँ तक आप एक लाइन मार्क कर दें पॉइंट्स मार्क कर दें और लाइन ड्रा कर दें लुक एट दिस ये हमारी ए बी लाइन थी जिसको हम मार्क कर देते हैं ए बी से ए बी से हमने मार्क कर दिया नाउ यहाँ देखें हमारा यहाँ पे है तो यहाँ पे भी आप एक पॉइंट ड्रा कर दें आपका स्केल नहीं हिलना चाहिए और जहाँ तक सर्ट स्क्र एंड हो रहा है यहाँ पे भी एक पॉइंट मार्क कर दें यहां से देखें आपका बी कहा तक जा रहा है आपका बी तो यहां तक जा रहा है आप इस लाइन को भी मार्क कर दें अब इस लाइन को ड्रॉ कर दें नाउ लुक एट दिस कैसे हमने किया हमने पहले ए बी लाइन ड्रॉ की अपना स्केल और अपना सेट स्क्र इस तरह से सेट किया और यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर दी ए बी के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की लेकिन जहाँ तक हमारा सेट स्क्र खत्म हो रहा था एज पॉइंट था वहां पे हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया नाउ वी रीड एज ए बी पैरेलल टू क्यू आर पासिंग थ्रू द पॉइंट पी आपने लाइन ड्रा करनी थी एक लाइन ड्रॉ करनी थी विच पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट जो एक पॉइंट से पास कर रही हो, यानी पी से पॉइंट पास कर रही थी, एंड टू अ गिवन लाइन, जो के पैरल है ए बी के यानी क्यू आर ए बी के पैरालल है लेकिन क्यू आर किस पॉइंट से गुजर कर पैराल हो रहा है पी पॉइंट से नाउ मूव ऑन एक्सरसाइज सेवन एन काउंटोन पेज नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स दिस इज एल एम लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही इक्वल डिस्टेंस की हैं पैरेलल हैं ए बी दोनों तरफ से इसके एंड पॉइंट नहीं है तो ये स्ट्रेट लाइन है दिस इज कर्व लाइन एंड दीज लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर अ लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज़ टू एंड पॉइंट्स येस लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज़ वन फिक्सड एंड पॉइंट नो लाइन के कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता वर्टिकल लाइन्स गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नो बिकॉज हॉरिजेंटल लाइन जाती है हॉरिजेंटल लाइन गोज अप एंड डाउन फॉल्स बिकॉज ये हॉरिजेंटल लाइन होती है जो अप एंड डाउन की तरफ जाती है इफ टू आर मोर लाइन्स आर पैरल दे विल नेवर मीट ट्रू पैरल लाइन्स कभी भी नहीं मिलती सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गि ऑप्शन दिस इज अम्बल ऑफ पैरल लाइन्स करव लाइंस कैन भी मैयर विदा रूलर एंड थ्रेड आप स्केल और थ्रेड की मदद सेव लाइन को मैय कर सकते हैं लॉन्ग स्ट्रेट एजिज ऑफ अ रूलर आर पैरल लॉन्ग स्ट्रेट एजिज ऑफ अ रूलर रूलर को अगर आप देखें इसके लॉन्ग स्ट्रेट एजिस ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जिसके स्ट्रेट एजेस हैं ये पैरेलल हैं द शेप ऑफ अ सेट स्क्र इज ट्राएंगुलर सेट स्क्र की शेप क्या है ट्राइंगर है ऑल लाइन सेगमेंट हैव टू एंड पॉइंट्स तमाम लाइन सेगमेंट्स के दो एंड पॉइंट्स होते हैं मेर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइंस विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड अ डिवाइडर आपको रूलर और डिवाइडर की मदद से इनकी लाइंस लेंथ uh, मालूम करनी है जैसा कि हमने अभी लेंथ मैयर की थी यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइंस मैयर की थी कि लाइन हमें गिवन हो तो हम स्केल की मदद से किस तरह से मैयर कर सकते हैं ड्रा स्ट्रेट लाइंस ऑफ द फॉलोइंग लेंथ यूजिंग अ रूलर एंड अ डिवाइडर ऐसे कि आपको स्ट्रेट लाइन किस तरह से ड्रा uh, करनी होती है मैयर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइंस यूजिंग अ डिवाइडर एंड अ रूलर डिवाइडर और रूलर की मदद से हमने ये कर्व लाइन मैय की थी ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन ऑफ फाइव सेंटीमीटर मीन्स ऐसे आपको खड़ी फाइव सेंटीमीटर लेनी है ड्रा अरिजेंटल लाइन ऑफ सेवन सेंटीमीटर मीन्स आपको इस तरह से सेवन सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स आर पैरल टू ईच अदर इन लाइन्स में से कौन सी पैरल है एक दूसरे के इसमें से के एल एम एन के पैरेलल है क्योंकि आप इसको इन दोनों लाइंस को जितना भी इंक्रीज कर लें, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और पी क्यू और आर जी को देखें आप जितना भी पी क्यू और आर जी को इंक्रीज uh, uh, करें इंटरसेक्ट नहीं करेंगी दीज टू लाइंस आर पैरेलल और एस टी किसी के पैरेलल नहीं है ड्रा ए बी इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर टेका पॉइंट पी अबव ए बी ड्रा अ लाइन पी क्यू AB ए बी पासिंग थ्रू पॉइंट जैसा कि अभी हमने किया इस तरह से आपको यह क्वेश्चन करना है आपको यहां स्केल और अपना सेट स्क्वेयर रखना है पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो एक पॉइंट से गुजर रही हो टेक एक्स वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर एंड के एल इज इक्वल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर ड्रा एक्स वाई पैरल टू के एल यूजिंग अ सेट स्क्वेयर आपको पैरल लाइन ड्रॉ करनी है सेट स्क्वेयर की हेल्प से एक्स वाई आपको 12 सेंटीमीटर लेना है के एल आपको 12 सेंटीमीटर लेना है और सर स्क्वायर की लाइन ड्रॉ करनी है दिस इज द दैम्बल ऑफ पैरल लाइंस। नाउ वी ऑल्सो लर्न टूडे टेबल ऑफ थर्टीन वन क्रॉस थर्टीन इज़ इक्वल टू थर्टीन वन टाइम थर्टीन इज़ थर्टीन टू टाइम्स थर्टीन आर ट्वेंटी सिक्स आपको लिखना इस तरह से पढ़ना इस तरह से थ्री टाइम्स थर्टीन आर थर्टी नाइन फोर टाइम्स थर्टीन आर फिफ्टी टू फाइव टाइम्स थर्टीन आर सिक्सटी फाइव सिक्स टाइम्स थर्टीन आर सेवनटी एट सेवन टाइम्स थर्टीन आर नाइन्टी वन एट टाइम्स थर्टीन आर वन हंड्रेड फोर नाइन टाइम्स थर्टीन आर वन हंड्रेड सेवनटीन टेन टाइम्स थर्टी आर वन थर्टी सिम्पली जिस तरह मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन होते हैं इसी तरह ये टेबल्स मल्टीप्लीकेशन ही है table of 14 1 times 14 is 14 2 times 14 are 28 3 times 14 are 42 4 times 14 are 56 5 times 14 are 70 6 times 14 are 84 7 times 14 are 98 8 times 14 are 112 9 times 14 are 126 10 times 14 are 140. you have to write these tables on your notebook and also learn hope you all will be learned this is all about today's lecture see you next inshallah Fi manilla